कैसे घोड़ी ने रोका नासा के मिशन को। एक बार नासा को अपने रॉकेट लॉन्च करना था और रॉकेट लॉन्च करने के लिए फ्यूल टैंक की जरूरत थी। उस समय फ्यूल टैंक यूटा में बनते थे जबकि रॉकेट फ्लोरिडा से लॉन्च होता था। फ्यूल टैंक इतने ज्यादा भारी होते थे कि इन्हें केवल दो ही तरीके से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता था, पहला तो समुद्री मार्ग और दूसरा रेल के द्वारा। यूटा के आसपास कोई भी समुद्र नहीं थे इसलिए केवल रेल मार्ग ही बच जाता था। यूटा और फ्लोरिडा के बीच एक सुरंग आता था जिसकी चौड़ाई फ्यूल टैंक की चौड़ाई से कम थी, जिस वजह से फ्यूल टैंक सुरंग के अंदर से आर पार नहीं हो सकता था। परिणाम स्वरूप रॉकेट लॉन्च नहीं हो सकता था। यह बात नासा के साइंटिस्ट को चुभी कि एक सुरंग के वजह से रॉकेट लॉन्च नहीं हो पा रहा है, आखिर सुरंग को इतना कम चौड़ा क्यों बनाया गया था। उसने जब पता लगाया तो उसे पता चला सुरंग की चौड़ाई रेल के डब्बे के अनुसार और रेल के डब्बे की चौड़ाई रेल के पटरी के चौड़ाई के अनुसार और रेल की पटरी की चौड़ाई बग्घी के पहिए की चौड़ाई के अनुसार और बग्घी की चौड़ाई रथ के दोनों पहिए के चौड़ाई के अनुसार बनी थी। तो अब बात आती है कि रथ के पहिए किसके चौड़ाई अनुसार बनी थी। यदि दोनों घोड़ों को साथ में खड़ा कर दे और उसके पीछे से चौड़ाई निकाले तो हमें 4 फीट 8.5 इंच निकलती है और यही माप थी जो सभी जगह यूज हुई थी। तो दोस्तों इस प्रकार घोड़े ने रोक दी नासा के मिशन को। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें नीचे कमेंट करके बताएं, और यदि आप भी अपनी माँ से प्यार करते हो तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।